सभी को नमस्ते, एक मुलाकात शालिनी के साथ। और आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे खुद के मौसेरे भाई, जो मैं आप लोग को बताऊंगी कि उनमें कितना बड़ा एक क्वालिटी है, जो बहुत हिडन क्वालिटी है और बहुत ही यूज़फुल क्वालिटी है, जो सभी के काम आ सकता है, अगर आप ये पूरा ब्लॉग, पूरा ये यूट्यूब वीडियो अगर देखते हैं तब। इनका नाम अमरीश मोहन है और इनको हम लोग तनु भैया बोलते हैं। सर तनु भैया, आप इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। क्या इंट्रोडक्शन देना है, तुम्हारे बहुत सारे भाई हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, बस हो गया, बॉम्बे में रह रहे हैं 99 से, यही काम करते हैं। और आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? हम देहरादून में हॉस्टल में पढ़े, गलम बॉय स्कूल के नाम से, वहीं हम क्लास 2 से लेकर 12 तक वहीं पढ़े थे। अच्छा। उसके बाद हमको ग्रेजुएशन करना था, तो दिल्ली में 2 साल के लिए भगत सिंह कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे थे, लेकिन पापा को विश्वास नहीं हुआ कि ये ढंग से ग्रेजुएशन करेगा या पढ़ाई करेगा, तो उन्होंने डोनेशन देके मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया। बट ये बहुत इंटेलिजेंट भी थे, ऐसा नहीं था कि आप इंटेलिजेंट नहीं थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। तो 10th पे 89% लाए थे, वो भी 1987 में ICSE बोर्ड में, तो काफी अच्छी थी स्कोर्स, मतलब दिमाग तो है थोड़ा बहुत। तो आफ्टर दैट आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम पूना, पूना में डीवाई पाटिल कॉलेज है, वहाँ से हम इंजीनियरिंग किए और 96 में पास आउट करके फिर अपना करियर शुरू किया। मेरा आज का जो टॉपिक है अल्कोहल जो बोलते हैं एग्जैक्टली, तो इनको ये एक हैबिट डेवलप हो गया था एट द एज ऑफ 16 और 17 में। हां, थोड़ा बहुत कभी-कभी, वंस इन अ रेयर ब्लू मून 18 में लिए, स्कूल के 12 जब पास आउट हो रहे थे। एक्चुअल ड्रिंकिंग इन द ट्रू सेंस दैट पीपल से डेली ड्रिंकर, आई बिकेम इन कॉलेज, बट इवन देन क्वांटिटीज वर लिमिटेड, थोड़ा क्योंकि तब पॉकेट मनी लिमिटेड होता था। बट सही मायने में एक्चुअल ड्रिंक करना मेरा शुरू हुआ जॉब में आने के बाद। तो बॉम्बे आया मैं 99 अक्टूबर में, उसके बाद तो मैं एक अलग ही लेवल पे चला गया, मैंने नॉट टू से कॉम्प्लीमेंट वाइज बट इन ट्रू सेंस की, मतलब डेली पीना, डेली विदाउट फेल, और 5-6-7 पैक वो हाल हो गया था मेरा। और सारा फैमिली अफेक्ट हो रहा था क्योंकि इनको ड्रिंक करते हुए सब फैमिली बोलते नहीं थे, क्योंकि अंदर अंदर सब फील करते थे कि कैसे इनका ये ड्रिंक छूटे, कितना लोग मन्नत मांग लिया कि फैमिली में कि भाई जिस दिन ये दारू पीना छोड़ेगा उस दिन हम ये पूजा करवाएंगे, वो करवाएंगे, लेकिन अमरीश मोहन किसी का नहीं सुने, वो अपना अपने धुन में थे। आप उसका रीजन भी अलग है ना, उसका रीजन अलग नहीं, सिंपल सा रीजन है, बिकॉज आई मीन जैसा तुमने बोला कि फैमिली अफेक्ट होती थी, तो फैमिली अफेक्ट सिर्फ इस तरह से होती थी कि उनमें उनके माइंड में कंसर्न था, एज फार एज आई वाज कंसर्न्ड, एग्जैक्टली कंसर्न्ड बाय। हां, तो मेरे मन में तो एक सिंपल सा फंडा था भाई, काम करो, दबा के मेहनत करो, वर्क लाइक अ डॉग फ्रॉम 8 और 9 और 10 इन द मॉर्निंग टिल व्हाटएवर टाइम इट रिक्वायर्स। और ये फैमिली डिस्टर्ब नहीं करते थे, ये अपना आते थे ड्रिंक करके जरूर अपने फ्रेंडों के साथ, आके चुपचाप सो जाते थे, ये नहीं कि बहुत राउडी हो गए या क्या बोलते हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, गुस्सा हो गए, वायलेंट, ये और जॉली नेचर के तो है, ये और जॉली नेचर के हो जाते थे। एब्सोल्युटली, मेरा फंडा वही था, सिंपल सा कि भाई यू वर्क लाइक अ डॉग, पार्टी लाइक अ डॉग, उसके बाद घर आओ चिल करके अपने फ्रेंड्स के साथ या सोशल सर्कल के साथ या बिजनेस इंटरेस्ट के साथ, और फिर जब घर आओ तो फैमिली टाइम। बट वही है कि हाँ, आम आदमी नॉर्मल 7-8-9 बजे तक आ जाता है, हम 10-10:30-11 बजे तक आते थे, दैट वाज रॉक। बट भाभी जो है मेरी, उनको सपोर्ट भी की, लाइक अब वो क्या कर सकती थी, अगर आप आते भी थे तो ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये बोलते थे कि मैं थोड़ा ज़्यादा लगता लेके आ गया, वो ड्रिंक कर गया, ये रियलाइज भी करते थे, लेकिन इनको एक लत वर्ड जो होता है ना, वो लग चुका। ये तो ट्रू है, सबके साथ हो जाता है, अगर लग गया तो ये निकलने वाला। बोले की तो मस्जिद तक और पहुंच गए अपने अड्डे पे, अड्डे रेडो से फिर वही 6-7 पे 8 पे 6-7 पे 8 पे, कोई चेंज नहीं हुआ। और ये एक दिन ये कभी भी मतलब टल्ली होके कभी या तो बाहर राउडी बिहेवियर या मिसट्रीट करना या मिसबिहेव करना या घर पे आके, आई मीन आई हैड टू ब्यूटीफुल यंग डॉटर्स, पहले एक हुई फिर बाद में दूसरी हुई, एंड द आई मीन द फैमिली अडोर्स मी इवन देन एंड इवन नाउ। एग्जैक्टली, मतलब तन्नु भैया इज आवर फेवरेट कजन, मतलब लोग दूर दूर से, एंड ही सच अ हम्बल एंड जेंटल पर्सन, ये एक एक लोग से कनेक्ट है और सबको ये टाइम देते हैं सबके बारे, और ये बहुत लोगों को हेल्प भी करते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग। और मैं जब भी बॉम्बे आती हूँ, मेरी कज़न, मेरे अपनी जो मेरी एक ही अपनी मौसी है, मेरी मम्मी की कज़न, इनकी मम्मी और मेरी मम्मी कज़न है,
बट स्टिल हम लोग में वो फीलिंग कभी नहीं रहा है कि हम लोग कजन है, नथिंग, जस्ट आई ट्रीट देम लाइक ओन ब्रदर, ओन ब्रदर, कोई डिफरेंसेस नहीं है. बट हाँ, वी ऑल वेर ऑलवेज कंसर्न कि तन्नु भैया एक फैमिली में हॉट ऑफ द टॉपिक रहते थे कि इनका ड्रिंक को लेके डिस्कशन हो जाता था. बट हाँ, ये ऑन द सेम साइमल्टेनियसली ये खुश भी रहते थे तो हम लोग इग्नोर भी करते रहते थे. आल्सो बिकॉज़ आई वाज सक्सेसफुल इन लाइफ, सक्सेसफुल रहते हैं तो बाकी सारी कमियां लोग इग्नोर कर देते हैं. एग्जैक्टली. प्लस जैसा इसने कहा, मैं फैमिली को साथ लेके चलना, फ्रेंड्स को साथ लेके चलना, वो मेरे नेचर है. मतलब हम लोग की फैमिली में शायद डीएनए हो गई, ये भी ऐसा ही करती है. तो हम लोग सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल लाइफ, सक्सेसफुल मैनेजिंग पर्सनल रिलेशनशिप. तो एक हम ही लोग ना चाहते हुए या डिस्लाइक करते हुए भी इग्नोर करते हैं. आई गॉट अवे विद इट. एग्जैक्टली. उनको खुलना से घृणा मेरे ड्रिंक्स या अल्कोहल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको थी. मॉम को भी थी. मॉम ऑल्सो डिडंट वांट टू ड्रिंक. और मॉम का यह था कि यार ठीक है, करना है तो करो, बट हैव टेक मैक्स टू पिल्स अ डे एट इफ पॉसिबल यू विल रिड्यूस दैट फ्रीक्वेंसी. एक तो क्वांटिटी कम करो, लिमिटेड टू अ डे, पैक आउट टू अ डे, एंड वो भी हफ्ते में एक दो दिन करो ना यार. यू गो सच अ ब्यूटीफुल वाइफ, सच ब्यूटीफुल डॉटर्स, स्पेंड टाइम विद देम. नो, आई विल स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स बट डोंट ड्रिंक एवरी डे. तो मॉम वाज नॉट अ नो-नो पर्सन. डैड वाज द स्ट्रिक्ट, कब छोड़ेगा कब छोड़ेगा. जब कोई फ्रेंड आते थे मिलते थे सबको यही एक ही बात, मुझे भी कितनी बार बोले. तो आई वाज लाइक नो चांस, आई मीन इट्स माय माय मनी, माय लाइफ, माय लाइफ, माय मनी एंड ऑल. एज़ लॉन्ग एज़ माय प्रोफेशनल लाइफ एंड माय वर्क इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड एंड my relationships are not getting affected, whether professional or personal. Exactly. So why should it matter to anyone else? Or apne paise nahi diye, galat to nahi kar rahe. Unfortunately, by those days, even though I'm a diabetic, since 2006, the health has been fine and all good. Achha, diabetic bhi hai. Haan, 2006 se. To, aur wife to, obviously, meri patni aur meri pita ki dono hardcore, you know, anti. But they used to just mention it. Fortunately for me, they were never angry or they used to not shout at me or they got their anger against me for drinking. They used to counsel me or guide me or request me. But for the obvious reason which I have just said, for the sake of not repeating it, हम नहीं, हम किसी की नहीं सुनते थे. वैसे भी हम थोड़े हैं मनमोहनी, अपने मन की करेंगे, सुनते सबकी है लेकिन करते अपनी है. And this is the way it should be. After 30 years of non-stop, 365 days I was drinking. सिर्फ पिछले 6 साल में या मैक्स 7 साल हुआ होगा जब से हमारे घर में हम मुंबई में गणपति लाने लगे. वो 5 दिन या 4 दिन जब तक गणपति की विसर्जन नहीं होती थी, सिर्फ वो 4 दिन छोड़ के आई वॉज ड्रिंकिंग एवरी डे फॉर द लास्ट 30 ईयर्स. उसमें भी 30 में से 25 साल तो मिनिमम 6 पैक्स अप टू 8 पैक्स डेली वाले थे. तो दिसंबर 2019 आई टर्न 50 ईयर्स ओल्ड एंड हमने घर पे अपनी पार्टी रखी, मुजफ्फरपुर में सेलिब्रेट किया. लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली वर इनवाइटेड. उस दिन आई डिसाइडेड कि चलो बंद तो नहीं होता, तुमसे रिश्वत थोड़ा कम किया जाए और कम में भी तुम 8 पैक से ज़्यादा कम पियोगे नहीं. तो आई रिड्यूस द 60 कप एक टू 45. तो भी 6 पैक से 8 पैक, 60 नहीं 45. ये हम मतलब अपना सोल्यूशन निकाला था. स्टिल आफ्टर 2 ईयर्स आई वॉज स्टिल नॉट गिविंग अप एंड नो चेंज इन मी. सब कुछ चल रहा था. आई नो व्हाट हैपेंड. ऑगस्ट ऑफ लास्ट ईयर, 30th August 2021, जन्माष्टमी का दिन था एंड आई वेंट टू माई फेवरेट वॉटरिंग होल. और लोग का यहाँ पे एक अड्डा है फोटो से एज पीपल कॉल इट. And they have a table reserved for us, कोई भी नहीं बैठ सकता, सिर्फ वहाँ ग्रुप ही बैठता. तो गए वहाँ पे एंड आई वॉज वन ऑफ दोस गाइस जो हफ्ते में 2 दिन तो एटलीस्ट दोपहर को भी पीता था. एंड नॉट आउट ऑफ द वे कि मतलब टोटली टल्ली होने वाला, थोड़ा मोड़ा, हाँ थोड़ा बहुत लिल गए. तो उस दिन हम पहुंच गए. जन्माष्टमी के दिन छुट्टी का दिन था, 30th August 2021. आई वेंट देयर, टेबल कोई नहीं था, वाज अलोन. एंड मेरे लिए अलोन वाज नॉट अ प्रॉब्लम. आई मीन लोग बोलते हैं अकेले कैसे पीता, अकेले क्या पीता है, हम और हमारी कमाई अक्सर ये बातें करते हैं, बड़ी बात थी. एंड आई वाज ड्रिंकिंग. थोड़ी भी पहला पैग आया, हमने ऐड अ वोडका. आई वाज हैविंग पहला पैग बनाया, पिया. सेकंड पैग आया, आई गॉट द पैग ऑन द टेबल, ही मेड इट, आई गॉट सी. उसने पैग बनाया, हमने एक सिप लिया, पता नहीं. आई मीन जो बोलते हैं ना, भगवान बुद्ध को पेट चमका था और एनलाइटमेंट आया था. ऑब्वियसली आई एम नॉट गॉट अ बुद्ध, आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग, गॉड फॉरबिड. बट उस समय क्या दिमाग में आई सम वेव एंड आई टोल्ड द वेटर, भाई ये पैग लेके जा यार. तो क्या सर ये खत्म तो कर लो आप, बन गया आपने. वैसे मैंने एक सिप ले लिया है, रुपया किसको पीना है, पी ले तो में से नहीं को फेंक दे. आई लेफ्ट एम्बुलेंस एंड आई केम बैक होम. And I didn't tell anyone, but in my mind at that moment I decided this is it. Enough is enough, Amrish Mohan.
बस खत्म, अब किसी को कुछ नहीं बोले। अच्छा। नेचुरली फिर हम आए, खाना खाए, एक घंटा सोए, टुक एन आफ्टरनून सिएस्टा, दिन में एक नाप लिए, शाम को 7 बजे हम यही इसी सोफा पे यहीं बैठे थे। और मेरी छोटी बेटी अनुष्का जी केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, यहाँ बैठी है मेरी तरफ। वो आए पास में बात की, बोली डैड क्या हो गया, 7 o'clock हो गया। नो व्हाट शी वाज हिंटिंग एट, और 7 o'clock हो गया तो कोई मैच आने वाला है या कोई सीरीज आने वाला है या कोई सीरियल है क्या? इससे पहले 30 साल से लोग बोल रहे हैं मुझे, हम लोग नहीं छोड़े, हमको बोलते तो नहीं किए छोड़ेंगे, सॉरी। अब तो हम सामने से खुद से बोल रहे हैं यार, होते नहीं डैडी। द रीजन आई एम टेलिंग इज बिकॉज़ लास्ट ईयर एग्जैक्टली उस समय आई हैड सम इश्यूज देयर, बताऊं जा ही नहीं रही थी, एक पे पीते थे तो लगता था पता है अंदर से आई थ्रो अप और फीलिंग ऑड, सो आई टुक अ ब्रेक फॉर मतलब इंडिकेशन आपको स्टार्ट हो चुका, बॉडी ने इंडिकेशन दे दिया था कि भैया तुमसे अब नहीं होगा, तो बॉडी इज नॉट टेकिंग इट। कोई हेल्थ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, या बीपी या कोलेस्ट्रॉल या Good, I'm happy for you. And I then told her, now I will go to Ambience, I will make sure I go every day. Unhi doston ke saath baithenge, unhi ke saath party karenge. But ek piyenge. Wo din hai aur aaj ka din hai. Ek saal ek mahine. On the 30th I'll complete 1 year 1 month. I've not had a drop. And this is a big, big achievement for entire family. Yes. Aur wo unhi friend ke saath usi adda pe jaate hain. Sare friends drink kar rahe hain. But he is just giving दूसरा तुम ध्यान से थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि आपको मन नहीं करता है क्या, बोलिएगा। Obviously, ऐसा थोड़ा कि हम कुछ बन बन गए, सम बन गए कि मन नहीं किया, बट ऑनेस्टली पिछले एक साल एक महीने में हार्डली 5 या 6 बार बन किया होगा। एंड दैट 5 मिनट्स जो थॉट मन में आया कि अभी एक बार तो पीक मानसून का टाइम था और मानसून में दिन में अमरीश मौसम बड़ा बेईमान है, चलो पी लेते यार, बट 5 मिनट्स आई टोल्ड अमरीश मोहन, अमरीश मोहन आज तो पी लेगा ना, फिर जिंदगी भर नहीं बंद करेगा, फिर शुरू हो जाएगा। बस वो एक वो मेरे लिए काफी होता है, मतलब एक किक आता है माइंड में, और वो ये डायलॉग आपको बोल देते ना कि अमरीश आज तूने अगर पी लिया ना तो फिर जिंदगी भर नहीं रोकेगा, बस दैट्स इनफ टू कन्विंस मायसेल्फ। वो 5 मिनट में वो थॉट चला जाता है, एंड ऑब्वियसली आई एम द हैप्पीएस्ट, यू नो व्हाई, डैड के लिए और कुछ करा नहीं करा, ही वाज अलाइव टू सी मी, ही पास्ड अवे द फॉर डिपार्टिंग गिफ्ट यू कैन से, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी, and of course my family is happy, so I'm happy. Tanubi, आप क्या suggest करना चाहते हो? कुछ नहीं, simple सा फंडा है यार, जब तक मन करे पियो, नहीं पीते हो कोई दिक्कत नहीं, जब तक पी रहे हो पियो दवा के, but you should realize, when you will realize only then you will leave it, don't let others decide for you, but you think rationally. हाँ, एक ये advice है यार, your drinking should not affect your family life, quarrels or arguments or, but the time whether you give to them or not. जो हम कम देते थे तब, तो रेस्ट कम हो गई है 10:30 जब तक मैक्स बच्चे सो जाते थे, सो जाते थे, सुबह उठते थे, नेचुरली वो हैंगओवर नहीं रहता था, बिकॉज़ आई रेयरली हैड हैंगओवर्स, ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ, बट रेयरली, बट स्टिल बाय द टाइम यू गेट नॉर्मल फ्रेशनेस इन द मॉर्निंग, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, तो द टाइम दैट यू स्पेंड विद देम क्वालिटी इज वेरी लिटिल, वो जो कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैसा, यू शुड नॉट ड्रिंक इनफ, और यू शुड ड्रिंक जस्ट इनफ दैट यू कैन अफोर्ड, एंड नॉट you know
ऐसा मांग के पी रहे हैं बजट ऑफ द फैमिली, या मांगना छोड़ दो, मांगना भी नहीं है तो भी अपने पैसे से पी रहे हो, बिना मांगे भी चलेगा, स्टिल उससे क्या बेटर यूज हो सकता था फैमिली के लिए, वो देखिए ना, बस फैमिली को ना असर पड़े बहुत इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, बस ये एडवाइस है। और हाँ, जब मन करे उस दिन आप खुद छोड़ देना, ऐसे 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 वो कम करना और वो टेपर ऑफ करना वो सब नहीं होता है। एंड द अदर वन, दिस गर्ल शी इज अ टॉमबॉय फॉर फैमिली, मतलब ये फ्रॉम अ वेरी यंग एज शी हैज बीन वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, फॉर अ गर्ल फ्रॉम बिहार फ्रॉम अ स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल फैमिली, वी डू नॉट अ बैकवर्ड ऑर्थोडॉक्स फैमिली बट स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल फैमिली एंड अ बिग फैमिली, यू नो, थ्री सिस्टर्स थ्री ब्रदर्स, सी एकदम आउटगोइंग स्पोर्ट्स में पैक, नेशनल लेवल टाइकोंडो कंट्री इंटरनेशनल, शी इज रिप्रेजेंटेड इंडिया, जापान गई है, कहां कहां गई है, मेडल जीत के लाई है ऑस्ट्रेलिया एट द एज ऑफ 14, 15, 16, 17। दिस गर्ल इज सो आउटगोइंग हैपनिंग, आई मीन मैं मुझे लगता है मेरी बाय शी इज सो हैपनिंग, मैं तो आई एम वेरी आउटगोइंग वेरी नेटवर्किंग वेरी वेल कनेक्टेड बट शी इज एज मच इफ नॉट मोर मे बी मोर रादर, इसने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। सो ईच वन डू इज ओन, so you don't have to bring to me, you have to make your own willpower, absolutely, aisa nahi ki bring nahi karoge to socially acceptable nahi hoge, ye to aapke upar hai, absolutely, mere kitni friends mere ko force karti hai shali ek sip le lo, bole to upar se niche gir bhi jaoge na, hum nahi le, kyunki I have made my own decision, it's my willpower, I'm not going to take, it's nothing harm, like कुछ बुरा चीज है, बट मेरा अपना एक चॉइस है। एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू। सो शी इज नॉट हैड अ वाइन, ऐसा भी नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं अरे हम विस्की भी ले रहे, बियर लेंगे, कोई लोग बोलते हैं बियर भी नहीं लेंगे, हम वाइन लेंगे, प्लस वैसे भी शी इज हार्डकोर फिटनेस फ्रीक, तो इसको तो वैसे भी नहीं चलता है ये सब। Thank you so much, Tanu Bhaiya, for your big time. And this is going to motivate lots of people. I hope so. I hope so. Yes, guys. So be take care of yourself. Thank you so much. Have fun, guys, but just take care. Be careful. Yes. Bye. Bye.